पाकिस्तान के गरीब लोग हैं उनके लिए 2023 अजाब था, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। इसको मैं और किसी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह की महंगाई पहले कभी भी पाकिस्तान के आम बंदे ने फेस नहीं की। बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, फूड प्राइसेस, यू नो दिस इज़ इट वाज एब्सोल्यूट हेल फॉर द पोर पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ज़्यादा परसेंटेज वाइज दे मेक अप अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। और इस 2023 में अकॉर्डिंग टू फिगर्स अबाउट 95 million Pakistanis now live in poverty. Pakistan has the lowest per capita income in South Asia and highest out of school kids in the world. According to figures, poverty in Pakistan rose from 34.2% to 39.4% in just 1 year. Ek saal mein 34% se hum 39% mein hamari poverty increase hui hai, with 12.5 million more people falling below the poverty line. सो ये नंबर्स बहुत ही यू नो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान के ये पिछला साल जो पाकिस्तान एक्चुअली जिन लोगों को पॉलिटिशियंस को सर्व करना चाहिए उनको तो उन्होंने बिल्कुल फेल किया है, फेल किया उनको, बेचारों को ऐसे उनके लिए हालात बना दिए कि पीपल वर कमिटिंग सुसाइड्स, लोग खुशी कर रहे थे। तो ये उनके लिहाज से तो साल बहुत ही डिज़ास्ट्रस रहा है। मई 9th का इम्पैक्ट सिर्फ पीटीआई पे नहीं हुआ लेकिन पूरे पाकिस्तान पे हुआ है। अब पहले आई थिंक इमरान खान की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूथ जो इंगेज हो गई थी पॉलिटिक्स में, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर, ये सारी डिफरेंट जनरेशंस हो रही थी व्हेन इट केम टू पॉलिटिक्स। लेकिन अब मई 9th के बाद एक मुझे लगता है लोग बहुत डिमोरलाइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। और इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अब लोग अब जब बात भी हो रही होती है, डिस्कशंस भी हो रही होती है, तो एक बहुत एनिमोसिटी होती है लोगों के अंदर, एक दूसरी पार्टीज़ के लिए नफरत है। हालांकि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है 8 फरवरी, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। एक्चुअली हमने पिछले साल जो किया है अब हम आगे इस साल में भी ऐसे ही लग रहा है वही कर रहे हैं हम। ऐसा इट्स वेरी क्लियर कि अभी भी वायलेशंस हो रही हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को। एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दी जा रही, जिसको वर्कर्स कन्वेंशंस नहीं करने दिए जा रहे, नॉमिनेशन पेपर्स उनके काफ़ी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब उनके क्या ग्राउंड्स थे, हाउ वैलिड आर दे, सो ये सारी चीज़ें यू नो आई थिंक आम बंदे को समझ आ रही है। एवरीबडी इज़ नाउ, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ गई है। जो हमने पिछले साल पूरे मिस्टेक्स की हैं वैसे ही हम अभी भी इस पूरे प्रोसेस में भी, इलेक्शंस के प्रोसेस में भी मुझे यही लग रहा है कि वही मिस्टेक्स रिपीट होंगी। अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, उनके काफ़ी नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट हो चुके हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि यू नो इट्स नॉट अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस। और आई थिंक हमें ये याद रखना चाहिए कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो सिर्फ ऑन द डे नहीं होते, उस दिन नहीं होते सिर्फ, ये पूरा प्रोसेस है शुरू से लेके एंड तक। जब से डेट अनाउंस हुई है उसके बाद जो लोगों की कैंपेनिंग है, उसके बाद जब अपने पेपर सबमिट करेंगे उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोसेस शुरू से लेके अभी तक सो फार इट हैज़ नॉट बीन फ्री एंड फेयर। तो फिर ऑन पोलिंग डे विल इट बी फ्री एंड फेयर, उससे पहले क्या होगा? अभी तो अदालतों में ही अपील्स हो रही हैं, फिर वो यू नो इट्स ऑल सच अ लीगल बैटल फॉर वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। बट हेयर ये इस सब से आई थिंक यू नो आई डोंट हैव टू मेनी होप्स फॉर द कमिंग इलेक्शंस। मुझे लगता है कि ये जो हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, एक पॉजिटिविटी और एक होप हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा साल हो, लेकिन असल में जो लोग हैं हमारे वही हैं जो हमारी कंट्री को बनाते हैं। तो अगर हमारे लोगों की सोच और हमारे जो लोग भी, जब मैं कहती हूँ सो आई मीन द पीपल इन पावर, द पीपल विद पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनकी सोच, उनका माइंडसेट नहीं बदलेगा तो फिर पाकिस्तान भी नहीं बदलेगा। और जो हमने गलतियाँ 2023 में की थी वही 2024 में रिपीट होंगी। लेकिन और एंड दिस इज़ द बेटर रियलिटी एंड इट्स द बेटर ट्रूथ। एंड आई वॉन्ट कि हम अपने वीलॉग्स में मैं यू नो क्रिटिकली थिंक करूं और मैं बस आप लोगों को कोई ऐसी बात ना करूं विच आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारा इलेक्शंस का प्रोसेस है वो वेरी इट्स सो फार बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट सी दैट जो हमारी एक डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, कोई भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक मुझे यू नो नहीं नज़र आ रही चीज़ जो हम कर रहे हैं। इट सीम्स वेरी अनडेमोक्रेटिक। सो लेट्स सी अब इलेक्शंस की के बाद एक्चुअली होगा क्या। आई थिंक दी ओनली वन पॉजिटिव थिंग आई कैन थिंक ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, जो भी जीतेगा, एक चीज़ जो पॉजिटिव हो सकती है वो ये कि कुछ स्टेबिलिटी मिले हमें, क्योंकि एक अब गवर्नमेंट आएगी होपफुली फॉर 5 years। अब वो बाकी 5 years के लिए रहती है या नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन
एक जो हम केयर टेकर गवर्नमेंट हम उस मोड में है उससे निकल के हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट हमारी एक स्टार्ट हो और ये हमारे इकोनॉमिक हमारे माशी हालात के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से हम इस इलेक्शन में जा रहे हैं और इसका जो आउटकम होगा वो मुझे डेमोक्रेटिक और जो हमारी फिलॉसफीज़ हैं डेमोक्रेसी की कुछ ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। एंड आई ऑल्सो होप कि इस साल पाकिस्तान में वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हों जो पिछले साल हुई हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी फैमिलीज़ को स्पेयर किया जाए, जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पॉलिटिशियन तक ही रखी जाए, नॉट द होल फैमिली, एंड यू नो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिटेरिएट जिस तरह पिछले साल हुई हैं वो ना हो। सो एज अ सोसाइटी हम अपने आप को बेटर करें सोशली, हमारे सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, एंड देर शुड बी अ लाइन दैट वी शुडंट क्रॉस। सो ये कुछ मेरी रिफ्लेक्शंस थी पिछले साल के बारे में और अब इस नए साल के लिए कुछ जो मेरी उम्मीदें हैं, जो मेरी होप्स हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम इसको भी डिटेल में देखेंगे कि ये कितने फ्री एंड फेयर हैं। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल स्पीक टू यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।